हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अनबाउंड ब्यूटी चैनल पर। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एक ऐसी महिला की है जो न सिर्फ अपने फैसलों पर गर्व करती है बल्कि लाखों महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। यह वीडियो है स्पेन की रहने वाली मेरिडा की, जो अपने अंडरआर्म बालों को गर्व से रखती है और इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानती है। मेरिडा से हम महिलाओं को ये संदेश मिलता है कि सुंदरता और सशक्तिकरण के हमारे मानक समाज द्वारा निर्धारित नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी पसंद को अपनाते हुए समाज के तय किए गए मानकों को रिजेक्ट करा और अपने अंडरआर्म बालों को प्राकृतिक सुंदरता और आत्मसम्मान का प्रतीक बनाया। मेरिडा का मानना है कि हर महिला को अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का पूरा हक है। हमारे देश में भी कई महिलाएं अपने अंडरआर्म बाल रखना चाहती हैं, लेकिन समाज के डर और शर्म के कारण ऐसा नहीं कर पाती। हमें समझना होगा कि यह हमारी व्यक्तिगत पसंद है और इसमें शर्म या डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाज के लोग जो भी कहें, हमारा शरीर हमारी पसंद है। मेरिडा की तरह हम भारतीय महिलाएं भी अपने शरीर को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर सकती हैं। हमें अपने समाज के तय किए गए मानकों से ऊपर उठना होगा और अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाना होगा। हमारे शरीर के बाल गंदे या शर्म की बात नहीं है, बल्कि वे हम महिलाओं की एम्पावरमेंट है और हमारी आज़ादी का हिस्सा है। अगर आप एम्पावर होना चाहती हैं, तो अपने जीवन के फैसले खुद लेना और उन फैसलों पर गर्व करना। अगर आप अपने अंडाम बाल रखना चाहती हैं, तो इसे अपनी सशक्तिकरण की निशानी माने। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी पसंद के लिए खड़ी हो सकती हैं और समाज के तय किए गए नियमों को चुनौती दे सकती हैं। हमारे समाज में बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाओं के शरीर पर बाल गंदे या अशोभनीय होते हैं, इसलिए वो हमको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि यह हम महिलाओं की नेचुरल ब्यूटी का हिस्सा है और हमें इन्हें अपनाने में गर्व महसूस करना चाहिए और हमारी इस पसंद पर सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी बात से एग्री है तो मेरे साथ आप सभी महिलाएं मेरिडा के सफर में शामिल हो जाएं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए प्रेरित हों। याद रखें, आपके शरीर पर आपका पूरा अधिकार है और आपकी पसंद ही आपकी सच्ची सुंदरता है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।